आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं मुंशी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमुई जिला के चकाई में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जमुई के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद मंडल ने अधिकारियों के साथ इकाई प्रखंड के माधोपुर जैव विविधता उद्यान का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक प्रमोद मंडल ने पार्क में घूमकर सुरक्षा संबंधित जायजा लिया एवं हर एक बिंदुओं पर जानकारी से अवगत हुए। इस मौके पर एएसपी अभियान सुधांशु कुमार झाझा, अनुमंडल पदाधिकारी भास्कर रंजन, चकाई इंस्पेक्टर राजीव तिवारी मौके पर मौजूद रहे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक चकाई थाना पहुंचकर थाना ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक कर थाना से संबंधित अभिलेख की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने चकाई थाना के आवश्यक कागजातों व पंजियों से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान एसपी ने थाना अध्यक्ष को कई आवश्यक निर्देश भी दिए जिसमें लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटारा करने, वारंटियों की गिरफ्तारी आदि शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित गति से मामले का निष्पादन तथा अपराध नियंत्रण के लिए सजग व अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया। इस दौरान एएसपी अभियान सुधांशु कुमार झाझा, अनुमंडल पदाधिकारी भास्कर रंजन, चकाई इंस्पेक्टर राजीव तिवारी मौके पर मौजूद रहे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये एडवांस प्लानिंग करना होता है किसी भी चीज़ के लिए, इसीलिए हमने टेंटेटिव मान ली। अगर इसका उद्घाटन हुआ तो उसके लिए कहाँ हेलीकॉप्टर आना, कहाँ गाड़ी रुकेगी, इधर से वीआईपी आएंगे, ये सब मुआयना करना। अरे जो पार्क का जो विजिट किए वो क्या मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है? होने वाला है कुछ दिनों के बाद, अभी संभावित है। अभी जैसे एक सूचना मिली है जी, उसकी तैयारी हम जी।